नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं आप लोगों के लिए जो है अब जो अगली टेक्निकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल बॉटम पैटर्न के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट 7 वीडियो। तो देखिए, डबल बॉटम पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो अक्सर इंट्राडे मार्केट में हम लोगों को देखने को मिलता है। डबल बॉटम पैटर्न में देखिए क्या होता है, जैसे हमने पिछले सीरीज में हमने बात की थी, पिछले वीडियो में हमने बात की थी डबल टॉप के बारे में, ये जो है इसका बिल्कुल ओपोजिट होता है। वहां पर डबल टॉप बनता था, वहां पर नीचे से एक रैली होती थी ऊपर की तरफ, और वहां से करेक्शन करके प्राइस नीचे आता था, फिर सेम लेवल पर जाकर फिर जो है प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करता था। बट यहां पर जो है उसका बिल्कुल ओपोजिट है। तो आप लोग को जो है, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जाकर देख लीजिए, तो आप लोग को बिल्कुल ये जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर मार्केट जो है ऊपर से एक नीचे की तरफ मार्केट आ रही है, और यहां पर जो है प्राइस जो है थोड़ी देर के लिए यहां पर जो है समझ लीजिए एक स्टॉप होता है या रुकता है, और यहां से जो है मतलब ऊपर की तरफ निकलता है, करेक्शन होती है। और ये जो करेक्शन होती है ये 10-20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहां पर से फिर जो है मार्केट जो है सेम लेवल पर आता है जहां से मार्केट लास्ट टाइम रिवर्स हुआ था, और यहां पर फिर जो है डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होता है, और यहां से जो है ये ऊपर की तरफ जो है निकल पड़ता है। तो देखिए, डबल बॉटम पैटर्न जो है बिल्कुल एक सिंपल पैटर्न होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए हम जो है इसको प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए मैं आपको लोगों को चार्ट में लेकर चलता हूं। तो पहले मैं यहां पर आपको फॉर्म करके दिखाता हूं कि ये पैटर्न जो है किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो चलिए आइए हम जो है बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो है, सॉरी, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये पैटर्न जो है किस तरह से काम करते हैं और ये कैसे मार्केट में फॉर्म होते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको जो है ब्लैंक ले लूंगा। अब यहां पर देखिए क्या होता है, मार्केट में इस तरह से देखिए पैटर्न ये फॉर्म होता है, एक ऊपर से डाउनफॉल आ रहा है। ऊपर से मतलब प्राइस जो है एक नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट होने के बाद प्राइस यहां से जो है फिर ऊपर की तरफ निकलता है, और ये जो प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है ये जो है इस प्राइस का जो इसने लो बनाया था, जो यहां पर इसने लो बनाया था, इसके 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स 10-20% के बीच ही मतलब इसकी जो है मूवमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या करता है, प्राइस यहां से फिर जो है नीचे की तरफ एक मूवमेंट करता है, और ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है ये कहां तक करता है, लास्ट टाइम जहां से प्राइस रिवर्स हुआ था। इसके बाद फिर जो है यहां से ये जो है ऊपर की तरफ मार्केट जो है निकल पड़ती है इस तरह से, ठीक है। तो जहां पर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है वहां पर हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, अब ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न हो गया। देखिए, फर्स्ट बॉटम हमारा ये हो गया जो फर्स्ट टाइम यहां पर लगा था। जब ये फर्स्ट बॉटम बनता है तो हम में से किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट अभी कौन सा पैटर्न बनाने जा रही है, डबल बॉटम पैटर्न बनाने जा रही है या फिर कोई और पैटर्न बनाने जा रही है। उसके जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकलता है, और ये जो प्राइस जो ऊपर की तरफ ये जो निकलता है, देखिए सबसे मेजर पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ये चीज जो है जरा फोकस करिएगा। तो ये जो प्राइस की जो मूवमेंट होती है ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको काफी ऊपर तक निकल जाए। जो ये प्राइस है, मान लीजिए अगर ये प्राइस 100 रुपए का है, तो ये प्राइस जो है मिनिमम जो है ऊपर जो जाए वो 120 रुपए से ऊपर ना जाए। अगर ये 125 130 जाता है तो आप इसको अवॉइड करिए, ये जो है डबल टॉप पैटर्न जो है नहीं इसको कंसेंटर करेंगे हम। यहां पर क्या होता है, 10-20% ऊपर की तरफ करेक्शन करने के बाद मार्केट फिर सेम लेवल पर आता है, जिस लेवल पर मार्केट पहले जिस तरफ से पहले यहां पर जो है मार्केट नीचे आकर ऊपर की तरफ गया था, अब उसी लेवल पर मार्केट हमको मिल गया है। अभी यहां पर हमको जो है डबल बॉटम पैटर्न मिल गया है। अभी हम देखेंगे यहां पर हमको किस तरह से अपने स्टॉप लॉस रखने हैं, किस तरह से हमारी एंट्री होती है, और किस तरह से हमें अपने टारगेट बुक करने होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ पैटर्न यहां पर बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन कौन सी मार्केट में ये पैटर्न फॉर्म हुए थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर से एक रैली होनी चाहिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर से जो है नीचे की तरफ एक बहुत अच्छी रैली हुई है। ऊपर से रैली होने के बाद आप यहां पर ये देखिए, अब यहां पर जो है प्राइस ने जो है मूवमेंट की है, और ये मूवमेंट जो है 20% से ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद फिर आप देख सकते हैं प्राइस ने जो है फिर नीचे की तरफ सेम लेवल पर, यहां पर नीचे की तरफ सेम लेवल पर जहां पर लेवल ये पहले था। हाँ, और जो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं
कि ये लेवल और ये लेवल में 3% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस 3% से ज्यादा है, ज्यादा का है, तो हम इसको डबल बॉटम पैटर्न कंसाइडर नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे। तो भी यहां पर देखिए, बैंक निफ्टी ने जो है फर्स्ट बॉटम यहां पर बनाया था, ऊपर की तरफ जो करेक्शन हुई वो 10 और 20% के बीच में थी, और लास्ट फिर उसके बाद फिर ये प्राइस जो है नीचे की तरफ आया सेम लेवल पर जहां से प्राइस लास्ट टाइम यहां पर रिवर्स हुआ था। अभी यहां पर देखिए मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ निकलना चालू कर दिया है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारे यहां पर टारगेट किस तरह से होंगे, हमारे स्टॉप लॉस किस तरह से होंगे, हमारी एंट्री कहां पर होगी, तो हम उसके बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए इसका जो है, ये देखिए अभी यहां पर हमने इसका एक रेजिस्टेंस समझ लिया, ड्रॉ कर लिया है। अभी देखिए इसमें टारगेट कितना होता है, टारगेट यही टारगेट है जो इसकी ऊपर की मूवमेंट है, जो ये 10-20% जो मैंने बताया कि मूवमेंट 10 और 20% के बीच में होनी चाहिए, यहां से लेकर मतलब मीन्स यहां पर 16,800 से लेकर ऊपर की तरफ जो है 21,400, तो मतलब 16,800 और 21,400 नियर अबाउट ये जो है 4,500-5,000 के बीच में ये जो है ये डिफरेंस है। तो अभी हमारा टारगेट यही होना चाहिए। अभी देखिए हमारी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, हमारी एंट्री जब यहां पर हमको कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न कोई कंफर्मेशन मिल जाता है, जैसे हमको यहां पर ये बुलिश एंगलफिंग हमको दिखाई दिया, डबल बॉटम पैटर्न बना, यहां पर बुलिश एंगलफिंग हमको दिखाई दिया, अभी यहां पर हमारी एंट्री हो गई समझ लीजिए 18,824, 18,820 के रेंज हमारी एंट्री हो गई। तो जो है अभी हमारा टारगेट जो है यहां तक होना चाहिए, ठीक है, यहां पर हमारा टारगेट यहां पर होना चाहिए। दूसरा जो इसमें स्ट्रेटेजी, देखिए इसकी दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है, एक तो स्ट्रेटेजी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी हम क्या कहती है, दूसरी स्ट्रेटेजी जो होती है, अभी यहां पर हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जब यहां पर इसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद फिर हमारा ये टारगेट इतना होना चाहिए। तो ये देखिए दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। तो मार्केट देखिए मैं दोनों तरह की स्ट्रेटेजी यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको दोनों तरह की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बट मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस लोग जो बताते हैं, वो यहां पर ब्रेकआउट के बाद बताते हैं कि आप लोग को यहां पर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है, यहां ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेने के बाद आपका ये 4,500 से लेकर 5,000 का आपका ये जो है टारगेट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यहां पर देखिए स्टॉप लॉस यहां पर अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो यहां पर स्टॉप लॉस आपका ये जो लो लगा हुआ है इसके नीचे 0.5% नीचे यहां पर होना चाहिए, और यहां पर अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है वहां पर लीजिए, या यहां पर जो स्विंग लो लगा हुआ है वहां पर लीजिए, यहां पर स्टॉप लॉस रखिए, या फिर आप स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं। तो यहां पर दो तरह की स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, तो आप दोनों में से जो आपको अच्छी लगी वो आप जो है अपने टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से आप जो है उसको देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि और किस किस जो है स्टॉक्स में ऐसा लास्ट टाइम हुआ था। तो एक था ब्रिटानिया, ब्रिटानिया में ऐसा एक पैटर्न बना था, तो मैं यहां पर शायद आपको पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो ब्रिटानिया में यहां पर ये देखिए, यहां ब्रिटानिया में ये यहां पर बना था ये पैटर्न, ठीक है, यहां पर ये पैटर्न बना था, बट इसका जो है ऊपर की तरफ यहां पर इसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया था, इसको मैंने ट्रेड किया था, ये जो है डबल बॉटम पैटर्न को जो हम कंसाइडर करेंगे, बट यहां पर जो है इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं हो पाया था, तो इसको जो है मैंने जो है मतलब यह छोटा सा एक प्रॉफिट लिया था और वहां पर निकल गए थे। तो ब्रिटानिया मतलब इस तरह के पैटर्न को हम डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं। अगर मतलब आप सीखना चाहते हैं तो इसको ड्रॉ करिए, देखिए किस तरह से ये पैटर्न काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको और बता देता हूं, एशियन पेंट, एशियन पेंट में भी एक पैटर्न ये बना था थोड़े दिन पहले, तो एशियन पेंट के बारे में मैं आपको, हाँ यहां पर देखिए एशियन पेंट में आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए एशियन पेंट में यहां पर एक पैटर्न बना था, तो ये है यहां पर। उसके बाद देखिए अगर हम यहां पर एंट्री लेनी हो तो इसका जो ये देखिए हाई जो लगा हुआ है यहां पर, ये देखिए ये इसका हाई लगा हुआ है, आप इसके ब्रेकआउट पर यहां पर ट्रेड ले सकते थे या फिर आप यहां पर ट्रेड ले सकते थे। अभी चलिए हम दोनों दोनों स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो देखिए, फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो ये होती है, ये थोड़ी रिस्की स्ट्रैटेजी होती है, अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तब तो आप यहां पर ट्रेड करिए, अदरवाइज जो है आपको यहां पर ट्रेड करना है इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है। तो मैं आपको ये ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी यहां पर बता देता हूं कि इसको किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए ये जो लास्ट टाइम यहां पर हाई लगा फिर प्राइस नीचे आया फिर ऊपर की तरफ गया, तो यहां पर देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ है, आपने यहां ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर कैंडल क्लोज हो गई है, इसके बाद आपने यहां पर एंट्री लेनी है। और यहां पर देखिए टारगेट हमारा क्या होगा, ये जो प्राइस जिसके बीच में ये प्राइस घूम रहा था, ये देखिए यहां नीचे सपोर्ट जो हमने डबल बॉटम कैटर्न के लिए हमने ड्रॉ किया था, और ये जो है इसकी जो करेक्शन हुई थी, तो यहां पर 1,450 रुपये और नीचे जो है नियर अबाउट 1,300 रुपये, तो 150 रुपये की ये जो है हमारा टारगेट होना चाहिए।
तो अभी यहां से हमने देखना है 1450 से लेकर के इसने 1600 लगाया कि नहीं लगाया। तो इसने जो है देखिए 1830 1850 के नियर अबाउट गया था। तो फर्स्ट टारगेट देखिए, इसमें आप दो तरह के टारगेट लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट तो आपका ये होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा, और इतने इसी का डबल आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। अगर तो आप देखिए इसको इंट्राडे में भी कर रहे हैं तो इसको 5 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं। वनडे अपना अगर पोजिशनल कर रहे हैं तो 1 आवर के चार्ट में और वनडे के चार्ट में देख सकते हैं। और देखिए स्टॉप लॉस देखिए, देखिए मैंने आपको एंट्री तो यहां पर बता दी कि ये जो कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है तो इस कैंडल की जब हाई ब्रेक करता है तब आपको यहां पर ट्रेड लेना है। और देखिए स्टॉप लॉस किस तरह से रखना है, स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। अगर तो देखिए आप ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और छोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं आप उस चीज के लिए बता रहा हूं कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है और उस कैंडल के नीचे आप अपना जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा आप स्ट्रेटेजी क्या देख सकते हैं कि ये जो स्विंग लो लगा हुआ है, ये देखिए यहां पर एक हायर हाई लगा, हायर लो लगा, हायर हाई लगा, हायर लो लगा, तो ये हायर लो के नीचे आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थर्ड जो है जो मेन जो स्टॉप लॉस जो बनता है वो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो बात हो गई एंट्री की, बात हो गई स्टॉप लॉस की, और टारगेट की बात मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। तो टारगेट देखिए, टारगेट यही होगा नीचे से, ये जो आपका जो भी नीचे की रेंज होगी जहां से हमने डबल बॉटम पैटर्न ये ड्रॉ किया हुआ है, लाइन ड्रॉ की हुई है, और ये ऊपर जहां तक इसकी ये जो करेक्शन हुई थी और करेक्शन होने के बाद फिर जहां पर ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जो रेंज जो एक समझ लीजिए बन गई है, ये रेंज ही आपका जो है टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है ना। बट जो मैं करता हूं, मैं ट्रेल में हमेशा एसएल को ट्रेल करता हूं, मैं इसके पीछे नहीं जाता हूं, इन लॉजिक के पीछे नहीं जाता हूं कि मतलब इतना ही टारगेट लेकर चलूंगा। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा बड़ा टारगेट मैं लेकर चलूं। तो इसलिए जो है अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। बट ये जो है आप जो है जो स्ट्रेटेजी जो कहती है, आप इसको फर्स्ट टारगेट इतना अपना बुक कर लीजिए, 150 रुपये बुक कर लीजिए, मान लीजिए 150 का ये रेंज है, तो 150 रुपये आप यहां से जो है ऊपर की तरफ 150 बुक कर लीजिए। सेकंड टारगेट क्या होगा, अगला 150 रुपये, मीन्स अगर आप 1:2 लेकर चलते हैं तो आपको जो है ऊपर 300 रुपये बुक करने हैं, बट आपको 150 रुपये के नियर अबाउट आपको 70% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा बीपीसीएल में, मैंने एक ऐसा इस तरह का चार्ट देखा था, डबल बॉटम पैटर्न मैंने देखा था बीपीसीएल में, तो बीपीसीएल का चार्ट भी आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। ये देखिए ये है बीपीसीएल का चार्ट, तो यहां पर देखिए, यहां पर आप जैसा देख सकते हैं ये बीपीसीएल का चार्ट है, और बीपीसीएल के चार्ट में भी देखिए किस तरह से, अभी यहां पर देखिए, यहां पर आप यहां पर भी डबल बॉटम बन रहा, यहां भी बन रहा है, बट हम तो मेन पॉइंट को पकड़ेंगे जो मेन पॉइंट है। तो आपने इस तरह से जो है दो मेन पॉइंट पकड़ने हैं, उसको इस तरह से ड्रॉ करना है, और यहां पर भी देखिए सिंपल बहुत अच्छे से टारगेट अचीव हुआ है। अगर हम बात करें यहां पर इसकी, तो ये लीजिए हम इसकी रेंज भी निकाल लेते हैं, तो जो नीचे की तरफ की रेंज थी वो थी 315 रुपये, और ऊपर की तरफ जो रेंज थी वो थी नियर अबाउट 400 रुपये, 405 रुपये, तो ये 80 रुपये का मतलब ये डिफरेंस था, ठीक है। तो अभी यहां पर देखते हैं 80 रुपये का 415 रुपये से जो है 495 रुपये टारगेट आता है कि नहीं आता है, तो यहां पर 550 रुपये का नियर अबाउट 1:2 का टारगेट यहां पर आ गया है। तो आप जो है इस तरह से मतलब इसको देख सकते हैं। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब फिलहाल में कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें मतलब डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुए थे, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहां पर आपको लोग बता दूं कि कोल इंडिया, कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक था जिसमें मतलब फिलहाल में जो है ऐसा पैटर्न बना था। तो ये देखिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये कोल इंडिया देखिए, मैंने कोल इंडिया का चार्ट खोल लिया है, और ये देखिए यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब देखिए इसमें किस तरह से, ये देखिए आपने जैसा कि देखा यहां ऊपर से एक रैली हुई, ठीक है, यहां पर रैली हुई, रैली होने के बाद देखिए ये 10 से 20% के बीच में इसकी जो करेक्शन होनी चाहिए, ये 10 से 20% के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्राइस देखिए फिर जो है अपने लास्ट लेवल को टच करने के लिए, जहां से प्राइस ने पिछली बार बाउंस बैक किया था वहां तक आया, ठीक है ना। और अभी देखिए इसका जो है हमने कहां पर इसको ट्रेड करना है, ट्रेड करने को तो हम यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते थे, बट अभी जो हम इसको ट्रेड करेंगे वो कहां पर ट्रेड करेंगे, हम इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ऊपर का जो है मतलब जो करेक्शन हुई थी जो मैंने आपको बताया 10 से 20% के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आपका डबल बॉटम पैटर्न बनने आता है तो ये प्राइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्राइस इसका लो लगा हुआ है ये 119 रुपये का लगा हुआ है, और इसका जो लो लगा हुआ है ये जो है 121 रुपये का, तो यहां पर 2 रुपये का डिफरेंस है। तो ये प्राइस और ये प्राइस जो फर्स्ट बॉटम बनता है और जो सेकंड बॉटम बनता है, इन दोनों के प्राइस के बीच में 3% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये प्राइस 3% से ज्यादा का डिफरेंस दिखा रहा है तो उसको आप डबल बॉटम पैटर्न जो है कंसाइडर मत करिए, उस पैटर्न को आप अवॉइड करिए, उसमें शायद कोई और पैटर्न बनने जा रहा हो। तो इसमें देखिए अभी
मैं एनुअल टाइम बता दूं कि मतलब इसको किस तरह से आपको ट्रेड करना है। अभी हमने क्या करना है, अभी यहां पर ब्रेकआउट का हमने वेट करना है। यहां पर एक कैंडल ने, समझ लीजिए एक कैंडल ने यहां पर हमको ब्रेकआउट दे दिया। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको जो है थोड़ा सा अच्छे से पता चलेगा। मान लीजिए यहां पर एक कैंडल इस तरह से बनती है, ठीक है। इस कैंडल ने, मान लीजिए यहां पर आपको सॉरी, यहां पर एक कैंडल ने, यहां पर एक कैंडल फॉर्म हुई और कैंडल ने मान लीजिए यहां पर ब्रेकआउट दिया। अभी हमको क्या करना है, हमको वेट करना है। अभी जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, जब इस कैंडल मतलब हमने हमारा जो एंट्री होगी इस कैंडल की हाई के ऊपर हमारी एंट्री होगी, ठीक है ना। और पहला जो टारगेट होगा वो टारगेट जो है ये जो मैंने आपको बताया, यहां पर 120 रुपए का लो है और यहां पर जो इसका हाई लगा हुआ है ये निबड़ 150 रुपए, तो लमसम 30 रुपए का यहां पर जो है इसका डिफरेंस है। तो 30 रुपए के लिए हम यहां पर ट्रेड करेंगे, यहां से लेकर 30 रुपए तक हमारा पहला टारगेट होगा। तो मेरे को लगता है यहां पर कोल इंडिया जो है 180 को जो है मतलब ये जाना चाहिए, 180 टारगेट इसका अचीव होना चाहिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो जो है 180 का दिखाई दे रहा है। 180 तक मतलब इसको जाना चाहिए, 180 अगला इसका टारगेट हो सकता है। बट हम जो है अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे, हमारे ये 30 रुपीज का टारगेट है तो हम 30 रुपीज के लिए ही जाएंगे, उससे जाए के लिए नहीं जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक स्टॉक और बता देता हूं फिलहाल में किन स्टॉक में, क्योंकि देखिए मैं ये स्टॉक मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो है हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं आपको, जो मैंने दो तीन स्टॉक में आपको हिस्ट्री बताई तो वो मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मेरे पूछते हैं कि सर जो अभी फिलहाल में जिसमें फॉर्म हो रहा है, जिसमें अभी जो इस तरह के पैटर्न जो आप पैटर्न आप बता रहे हो वो अभी मतलब करंट सिचुएशन में किस कौन से स्टॉक में फॉर्म हो रहा है, तो मैंने इसलिए जो है आप लोगों के लिए एक दो स्टॉक निकाल के रखे थे तो उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आयशर मोटर का। तो आप यहां पर देखिए, सॉरी मैं पहले आयशर मोटर का यहां पर आप चार्ट लगा लेता हूं। तो मैंने यहां पर देखिए आयशर मोटर का यहां पर चार्ट लगा लिया है। तो आयशर मोटर के चार्ट में देखिए ये फॉर्म हुआ है फिलहाल में, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये जो है एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ है। तो डबल बॉटम पैटर्न में देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूं कि डबल बॉटम पैटर्न में हमको क्या देखना होता है। देखिए चीजों को ध्यान से सुनिए, चीजों को अच्छे से अपने माइंड में सेट करिए। चीजें अगर आपके माइंड में सेट हो गई तो आपको यहां पर मार्केट में पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसलिए चीजों पर फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जो चीजें बताता हूं उसको देखिए, सुनिए, समझिए, उसके जो है रिसर्च करिए, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहां पर क्या हुआ है, इसकी जो करेक्शन, ये देखिए यहां पर इसकी जो करेक्शन हुई है, करेक्शन देखिए दो तीन बार हो चुकी है, बट यहां पर जो हम इसको मैं डबल बॉटम पैटर्न कंसीडर करके चल रहा था। यहां पर देखिए इसकी जो है दो तीन बार करेक्शन हुई थी। यहां पर देखिए सबसे पहले डबल बॉटम पैटर्न के लिए हमको क्या देखना होता है, ऊपर से एक रैली होनी चाहिए। डबल बॉटम के लिए ऊपर से नीचे की तरफ एक रैली होनी चाहिए और जो करेक्शन होना चाहिए वो करेक्शन 10 से 20% के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद करेक्शन होने के बाद प्राइस जो है फिर उसी लेवल पर आना चाहिए जिस लेवल पर लास्ट टाइम आया था और वहां से मार्केट 10 से 20% के लिए बाउंस बैक गया था, और ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जब कैंडल देखिए, अभी आप देख सकते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाया था तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा। ये जो कैंडल एक यहां पर बनी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडल यहां बनी हुई है, अभी हम कहां ट्रेड लेंगे, हम इसके हाई पर ट्रेड लेंगे मतलब 15118 पर। तो यहां पर देखिए इसका जो गैप था वो कितना था, 12 13000 और 13000 से यहां पर जो था 15000, तो ये 2000 पॉइंट के लिए हम यहां पर ट्रेड करेंगे। तो अभी देखिए प्राइस कहां जा चुका है, प्राइस ने नियर अबाउट अपना टारगेट अचीव कर दिया है। प्राइस देखिए अभी यहां पर 15000 से 2000 अगर हम प्लस करते हैं तो कितना होता है, तो 17000 होता है। तो ये प्राइस जो है 17, इसका जो हाई जो लगा है वो 17 नियर अबाउट 16996 मीन 17000 को ये जो है टच कर चुका है। अभी जो है देखिए अभी ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम जो है फिर नेक्स्ट 2000 पॉइंट के लिए जाएंगे। कौन सा लेवल, ये लेवल जो है 17200 का, 17200 का लेवल ब्रेक होगा, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आ जाएगी, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करेगी, फिर जो है हम जो है आगे के 2000 पॉइंट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो वीडियो आप लोगों को बनाई है, जो दिखाई है प्रैक्टिकली करके, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं चीजें, मैं आपके हर क्वेरी का मैं रिप्लाई करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी दोस्त सज्जन मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको टोटल A to Z एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो मिलने वाली है। अभी चार्ट पैटर्न खत्म करने के बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर आएंगे। बहुत चीजें मैं यहां पर आपको नॉलेज वाली बहुत चीजें बताने वाला हूं जो चीजें आप पैसे देकर भी नहीं सीख पाएंगे, वहां
मैं आपको यहां पर बिल्कुल फ्री में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। सो प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है जितना ज्यादा से ज्यादा उसका शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। और अगर आप इससे ज्यादा भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर मैं इस तरह के चार्ट जो है डेली इंट्राडे बेसिस पर मैं डेली चार्ट पोस्ट करता हूं। वहां पर पैटर्न वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, किस चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, किस में, मतलब टोटल ए टू जेड चीजें, शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं सारी चीजें वहां पर जो है पोस्ट करता हूँ। वो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल चीज जो है साबित होगी। सो मतलब आपको अगर एक बार टेलीग्राम चैनल जाके जरूर देखिएगा, पसंद आए तो ज्वाइन करिएगा, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।